बोले बोले आपने मेरे साथ झगड़ा किया। पति कहता है बोले झगड़ा नहीं करूं तो और क्या करूं, ऐसा उल्टा सीधा काम करती रहती है। पत्नी कहती है बोले जाओ जी, मुझे आपसे आपने मुझसे कभी बात मत करना, और जिस भी दिन आपने बात कर ली ना तो आप एक बाप के बेटे नहीं। तो पति कहता है बोले जाओ जाओ जी, मुझे भी आपकी कोई जरूरत नहीं, और अगर आप भी मुझसे कभी बात मत करना और जिस दिन बात कर ली ना तो आप भी एक बाप की बेटी नहीं। अब भाई बहनों झगड़ा तो हुआ पति पत्नी के बीच में, अब बस पत्नी अंदर बाहर के गेट से अंदर आए तो पत्नी पीछे के गेट से, पति पीछे के गेट से बाहर निकल जाए, पति पीछे के गेट से अंदर आए तो पत्नी आगे के गेट से बाहर निकल जाए। बस एक महीने तक यही प्रक्रिया चल जाए। जैसे ही एक महीना बीता तो पति मन में विचार करता है यार 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 पूरे जीवन को साथ बिताना है और बिना बात किए काम नहीं होगा, और पत्नी कैसी भी बोलो, अच्छी बोलो बुरी बोलो, भली वो रो रो काम करे या ना करे, लेकिन पत्नी तो मेरी ही, मैं जाता हूँ और बार बार लूट लूँ। अब क्या हुआ कि जैसे ही पति अपनी पत्नी के पास जाता है बात करने के लिए, और जाकर बस कहने ही वाला था, उतने में पति देवता को कौन सी वाली बात याद आती है, याद आ जाती है कांति कि अगर आपने मुझसे बात की तो आप एक बेटे एक बाप के बेटे नहीं रहे। जैसे बात याद आती है तो पति मन में सोचता है कि अगर मैंने अपनी पत्नी से बात कर ली तो मैं नकल बाप का हो जाऊंगा, एक काम करता हूँ पत्नी को ही पहले बात करने देता हूँ। भाई बहनों ऐसे तो काम नहीं चलने वाला हो। भाई बहनों पत्नी जाती है और अपने पति से बात करने के लिए साइड में जैसी बात करने वाली होती है, उस समय पत्नी को बात याद आ जाती है। कौन सी वाली कि अगर आपने मुझसे बात की तो आप एक बाप की बेटी नहीं रहेगी। पत्नी मन में विचार करने लगी, बोले अगर मैंने पूछ लिया, पहले मैंने बात कर ली अपने पति से ना, बात गड़बड़ हो जाएगी और फिर मैं नकल बाप की हो जाऊंगी। एक काम करती हूँ पति को ही पहले बात करने देती हूँ। अब भाई बहनों क्या करें, दिन ऐसे ही बीतते जा रहे हैं, बस दोनों ही आपस में सोच रहे पहले पत्नी आएगी बात करने के लिए, पहले पति आएगा बात करने के लिए, लेकिन कोई नहीं आता है बात। धीरे 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 करके छह महीने पति मन में विचार करने लगा कि ऐसे से जीवन चल नहीं सकता, ऐसी गृहस्थी चल नहीं सकती। तो पति क्या सोच रहा है मन में कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी पत्नी आए और मुझसे बात करे। अब एक दिन क्या हुआ, जैसे ही पति अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था और क्या कर रहा था, बीड़ी फूंक रहा था। और जानते हो बीड़ी कैसे फूंक रहे थे, इधर देखो, जैसे पत्नी गेट इधर है और पत्नी इधर से आने वाली है तो इधर चेहरा करके बीड़ी फूंक रहा था।
अब जो ही देखा कि उधर से पत्नी आ रही है, अब बात तो करना है, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, क्या क्या करें। तो जैसे ही देखा कि उधर से पत्नी आ रही है, तो इधर पति ने क्या किया कि जैसे ऐसे 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 करके बीड़ी भूख रहे थे ऐसे करके, तो धीरे से अपने शर्ट की बटन को खोल लिया है और थोड़ी सी आग लगा, थोड़ी सी आग लगा दी शर्ट की बटन खोलकर, और बढ़िया बीड़ी भूख रहे और ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसे बैठे। जैसे ही पत्नी आती है उधर से, तो पत्नी को दृश्य दिख जाता है, कौन सा कि पति